खाद्य तेलों में हमने सरसों में ठीक ठाक तेजी आती हुई देखी है। सरसों धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आई। दरअसल सरसों का प्रोडक्शन इस बार अच्छा खासा बताया गया है, बम्पर उत्पादन बताया गया है, लेकिन तब भी सरसों की किल्लत महसूस की जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि सरकार ने 8 जून 2021 से सरसों के तेल में जो ब्लेंडिंग हुआ करती थी, जो अन्य खाद्य तेलों की मिलावट हुआ करती थी, उस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से बाज़ारों में अब प्योर सरसों का तेल ज़्यादातर उपलब्ध होने लगा है। दूसरा, सरकार ने सरसों तेल के रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया है, जिसकी वजह से सरसों तेल को एक डाइवर्जन मिलता हुआ नज़र आया, एक रास्ता मिलता हुआ नज़र आया। तो पहले ब्लेंडिंग रोकी गई, जिसमें सरसों की खपत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, रिफाइंड बनाने पर जोर दिया गया सरकार द्वारा सरसों तेल के रिफाइंड पर, जिसकी वजह से सरसों की खपत और बढ़ गई। फिर दूसरा, जब देखा गया कि अब सरसों की कीमतें एकदम से बढ़ रही हैं और उत्पादन भी अच्छा है, तो जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने जो सरसों है वो स्टॉक करनी शुरू कर दी। हालांकि किसानों ने भी स्टॉक करके रखी हुई है, अभी भी किसान भी धीरे धीरे करके अपनी सरसों मंडियों में लेकर आ रहे थे और अभी भी देख रहे हैं कि अब जाके कुछ थोड़ी आवक बढ़ती भी नज़र आई है सरसों की मंडियों के अंदर, क्योंकि अब जो सरसों के जो प्राइसेस हैं मंडियों के अंदर, हाजिर बाज़ारों के अंदर, वो 9,000 के भी पार देखने को मिल रहे हैं। 10,000 तक हमने सरसों दाना की कीमतें मंडियों के अंदर जाती हुई देखी हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में स्टॉक बताया जा रहा है पूरे भारत के अंदर सरसों का, वो लगभग 30,00,000 टन का बताया जा रहा है, और सरसों की फसल आने में अभी लगभग 4 से 5 महीने का समय बाकी है। तब तक अगर ये जो स्टॉक है वो चल जाता है, इतना जो खपत है, जो कंजप्शन है, उसको पूरा करने में सक्षम रहता है, तो सरसों की कीमतों में तेज़ी तो रहेगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल पाएगी। हालांकि MSP से अभी भी ऊपर रहेगा, कीमतें बहुत अच्छी रहेंगी, अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर समय रहते बाज़ार में सरसों की आवकें हो गई और स्टॉक भी थोड़ा बहुत बच गया, तो वो वाली तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी जो स्टॉक की किल्लत होने पर देखने को मिलती। अगर पाइपलाइन खाली हो जाती है तब तो सरसों की कीमतों में अभी और बम्पर तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी, नहीं तो फिर इसी दायरे में सरसों की कीमतें देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में जानकारों का ऐसा मानना है कि सरसों में तेज़ी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक कम है तो और खपत ज़्यादा है, तो स्टॉक कम पड़ सकता है ये सरसों का, और सरसों की कीमतें 9,000 या उससे भी पार जाती हुई नज़र आ सकती है। अभी जानकारों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।